बाजार में हुए एक्शन से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन कारोबारी तेजी देखने को मिली। आज बाजार में दायरे में कारोबार दिखा। निफ्टी 17,770 के करीब बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में तेजी देखने को मिली। अडानी इंटरप्राइजेज और बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा तेजी रही। वहीं सरकारी बैंक, एनर्जी, इंफ्रा और मेटल शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला। बाजार में हुए एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रही है हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो हफ्ते की शुरुआत ही अच्छी हुई और स्ट्रेट सेकंड ट्रेडिंग सेशन जबकि देखा हमने अच्छी मजबूती के साथ, हरे निशान के साथ इंडेक्सेस में अच्छी मजबूती पर ही बाजार दिन भर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी दिखा रहे थे और इंडेक्स में भी अच्छा खासा एक्शन देख रहा था। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें तो इसमें भी एडवांसेस का पलड़ा भारी था जो कि क्लियरली बाजार के अंडरटोन को बुलिश बना रहा था। तो क्लियरली बुल्ला यहाँ पर जो है आगे रहे और इनफैक्ट दिन भर में ही काफी हद तक एक्शन देखने को मिला। ये एक्शन जो है रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स जो कि हैवी वेट्स हैं उनसे की सपोर्ट मिलता हुआ दिखा तो काफी हद तक वहां से कंट्रीब्यूशन दिखा। रिलायंस के तो नतीजों के ठीक बाद स्टॉक ने आज रिएक्ट किया और उस पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इन स्तरों से भी खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही बैंक्स फाइनेंशियल्स तो हम देख ही रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के बाद, चाहे फिर बड़ी दिग्गज बैंक प्लेयर्स हो या फिर छोटी मझोली बैंकिंग बैंक्स हो, उनके भी अच्छे खासे सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं और इन्हें क्लियरली एक ट्रेडिंग लेवल्स के तौर पर माना जा रहा है। पीएसयू बैंक स्पेस पर भी हमने देखा और पावर में सबसे ज्यादा तेजी आज के सत्र में देखने को मिली जो कि काफी हद तक सरप्राइजिंग थी। अगर खबरों के दम पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करेंगे, यूनिकैम में जो हिस्सा खरीदने की खबर आई, इसे इपका लैबोरेटरीज में 10% तक की गिरावट देखने को मिली। एक न्यूज फ्लो था जिसका एक इंपैक्ट जरूर देखने को मिला। वहीं मैनेजमेंट में बदलाव का असर सीजी कंज्यूमर के चार्ट पर भी देखने को मिला। हालांकि जोमैटो पॉजिटिव ब्रोकरेजेस यहां पर आती हुई देखने को मिली और इसके चलते हमने देखा कि अच्छी खासी मजबूती के बीच स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% के अप मूव्स पर ही ट्रेड्स देखने को मिले। सिटी की तरफ से जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसका एक इंपैक्ट था जो कि जोमैटो के चार्ट, और इसी के चलते न्यूएज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आज एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। आईएफएल सिक्योरिटीज जहां पर अच्छे नतीजे थे उसके ठीक बाद हमने देखा 9% तक के अपमूव्स इस स्टॉक में देखने को मिले। तो इस स्टॉक पर भी खास तौर से नजर रखनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट के बाद ये ट्रेडर अब फेवरेट बनता हुआ देखने को मिला। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर खास नजर रखनी होगी, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, क्योंकि अब न्यूज फ्लोज वहां से आना शुरू होंगे कि कर ऑटो कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे जारी करेगी। अच्छा, इसमें लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक और फार्मा स्पेस भी अब डिफेंसिव के तौर पर इस वक्त काम कर रहे हैं। डिविज लैब जैसे स्टॉक को देख लीजिए, वहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला। आज टेलीकॉम प्ले में भारतीय एयरटेल भी अच्छा एक्शन दिखा रहा था। बजाज ट्विंस में मजबूती, चाहे बजाज फाइनेंस हो या बजाज फिनसर्व के काउंटर में अच्छे एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिला। तो क्लियरली बैंक्स, फाइनेंशियल्स कुछ हद तक हमने देखा, ऑटोमोबाइल प्लेज और साथ ही मिड कैप आईटी कंपनियां हैं जो कि बाजार को काफी हद तक सपोर्ट दे रही थी। और हीट मैप पे भी देखेंगे तो बजाज ट्विंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस जैसे काउंटर्स सामने आएंगे। और हां, रेलवे काउंटर्स पर खास नजर रखें क्योंकि लगातार खबरें आ रही जिससे रेलवे स्टॉक्स जो काफी अट्रैक्टिव हैं। फाइनल क्लोजिंग जब हुई 17700 के पार, 17750 के पार हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी ने 42678 के लेवल्स पर क्लोजिंग दिखाई और साथ ही सेंसेक्स में भी हरे निशान के साथ 60100 के लेवल्स पर क्लोजिंग। तो पॉजिटिव स्टार्ट टू द डे और दिन भर अच्छी मजबूती के बाद ट्रेड्स क्लोज भी पॉजिटिव हुए। कोटक एएमसी एमडी नीरज शाह का कहना है कि घरेलू बाजार पर नजरिया बेहद पॉजिटिव है, निवेशकों को मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के नए मौके तलाशने चाहिए। एक क्षेत्र में राम भी मिलते हैं और रावण भी मिलते हैं, तो हमेशा निवेश करते समय अच्छे प्रमोटर के साथ निवेश करना जरूरी है। सब्जेक्ट टू दैट केवियट की अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा प्रमोटर बहुत जरूरी है निवेश करने के लिए। हमें लगता है कि एक दो क्षेत्र ऐसे जहां पे आने वाले कुछ सालों के लिए मार्केट आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। आज चाइना प्लस वन हम देख रहे हैं दुनिया में, लोग चाइना से अपना सोर्सिंग बेस दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। भारत में भी बहुत सारी कंपनीज आ रही है, बहुत सारी ग्लोबल कंपनी भारतीय कंपनी से खरीदारी कर रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ये एक ऐसी हरफनमौला थीम है जो आने वाले कुछ समय के लिए आउट परफॉर्मेंस दे सकती है। मैन्युफैक्चरिंग थीम के तहत हमने केमिकल सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करते देखा है पिछले 4-5 सालों में। उसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स होंगे अंडर ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हमें लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आता रहेगा। दूसरा एक जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर है, सिर्फ फार्मा नहीं, पूरी हेल्थ केयर। आज दुनिया एजेड हो रही है, उन्हें हेल्थ केयर की जरूरत है। एंड अगर हम देखें भारतीयों के पास
तो वो सारे साधन अवेलेबल है जिससे हम अपने देश की नहीं दुनिया की हेल्थ केयर भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट की मजबूत कमेंट्री के बाद इंडसइंड बैंक में आज 1.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। नतीजों पर मैनेजमेंट ने क्या कहा, ब्रोकरेज की कंपनी पर क्या राय है, जानते हैं अपने सहयोगी शरद से। जी बिल्कुल, इंडसइंड बैंक में जो है एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिल रही है दिन के ट्रेड में, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री आ रही है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो लोन ग्रोथ है लगभग 18 से लेकर 23% बढ़ने वाली है, लेकिन जो पहले का अनुमान था FY24 के लिए वो 20 से 25% तक था। ओवरऑल देखा जाए तो 20% का ग्रोथ का CAGR का अनुमान है अगले 3 से लेकर 5 साल तक। अगर बात करें हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो उसका एक्सपेक्टेशन FY24 के लिए है रेंज 4.25% से लेकर 4.35% तक, जो पहला अनुमान था उससे जो है 10 बेसिस पॉइंट्स के बढ़त देखने मिल रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो उसका रेंज एक्सपेक्टेड है 1.9 to 2.2%, और कंपनी जो है ऑफकोर्स यूज़ कमर्शियल व्हीकल और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में जो है बुक में जो है की ड्राइवर्स मांगती है, और इसके अलावा जो है होम लोन बुक एक्सपेक्टेड है कि 15,000 करोड़ तक ग्रो करेगा। जो एफ्लुएंट बैंकिंग होती है HNI की, वो भी जो है एक्सपेक्टेड है कि डबल करे। लेकिन ब्रोकरेजेस की क्या राय है, मैक्वायरी जो है मेंटेन आउट परफॉर्म रखा है, लक्ष्य रखा है 1,510 रुपीज़ प्रति शेयर का, और उन्होंने कहा है कि वैल्यूएशंस जो है अभी भी अट्रैक्टिव है। JP Morgan ने भी कहा है कि अच्छी ग्रोथ देखने मिली है लेकिन एसेट क्वालिटी में ज़रूर इम्पैक्ट आया है। और आखिर में डैम कैपिटल बात करेंगे इंडसइंड बैंक में, जहाँ पे उन्होंने रिटेन रखा अपनी बाय रेटिंग, लक्ष्य रखा है 1,510 रुपये प्रति शेयर। चलिए, मारुति सुजुकी के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं इसको लेकर सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि बताएं क्या है अनुमान इस बार मारुति सुजुकी की। बात करें तो सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स देखना, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 9.8% पे कंपनी के मार्जिन्स दर्ज हुए थे, इस बार 10.5% के आसपास हम ये आंकड़ा की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर 10% से ज़्यादा मार्जिन्स आते हैं तो Q2 FY21 के बाद हम देखेंगे कि कंपनी अपने मार्जिन्स 10% से ज़्यादा पोस्ट करेगी। तो सबसे अहम ये आंकड़ा होगा देखना, बट इसके अलावा सभी पैमानों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय की बात करें तो 12% की ग्रोथ की हमारी उम्मीद है, EBITDA में 21.5% के उछाल की हम उम्मीद कर रहे हैं, 3,441 करोड़ हमारी उम्मीद है। मार्जिन हमने बताया ही कि 10.5% के आसपास हम अनुमान लगा के चल रहे हैं, और मुनाफे में 6.5% के ग्रोथ के साथ 2,502 करोड़ ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। रियलाइजेशंस की बात करें तो जिस तरीके से कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, वहां पे 3% की ग्रोथ रहेगी। SUV का जो मार्केट शेयर है उसमें बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं हुआ है, पर हाँ देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि आगे के लिए किस तरीके का कंपनी आउटलुक देख रही है। काफी सारे नए लॉन्चेस भी हुए हैं, उसको लेकर भी क्या बुकिंग नंबर सामने आ रहे हैं उस पर भी नजर रहेगी। और आखिरी में जो कि डीलर्स अभी हाईलाइट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो कार की बुकिंग नंबर्स है उसमें थोड़ी कटौती हो रही है, उस पर कंपनी का क्या कहना है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो मारुति सुजुकी के नंबर्स का इंतजार है। बजाज फाइनेंस के Q4 नतीजे कल आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं वामाक्षी। जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस के चौथे तिमाही के नतीजे एक्सपेक्टेड है और हम एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में हम 29% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6,186 करोड़ पर। PPOP यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी करीब 29% का उछाल नजर आ सकता है। मुनाफा में करीब 23% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ सकती है, और मुनाफा करीब 2,978 करोड़ पर एक्सपेक्टेड है बजाज फाइनेंस के लिए। प्रोविजंस अगर हम देखें सिक्वेंशियली डिक्लाइन हो सकते हैं 841 करोड़ से 829 करोड़ पर। तो ओवरऑल अगर हम देखें एक मजबूत क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। नेट इंटरेस्ट इनकम का जो ईयर ऑन ईयर मोमेंटम है वो भी काफ़ी मजबूत रह सकता है AUM को ट्रेंड को देखते हुए। OPEX पर कंट्रोल और बेटर अदर इनकम के चलते PPOP को भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन्स में थोड़ा सा मॉडरेशन आ सकता है और क्रेडिट कॉस्ट भी आगे चलते थोड़े मॉडरेट हो सकते हैं। सुधरते कलेक्शंस के चलते एसेट क्वालिटी में भी सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल ये थे सारे एक्सपेक्टेशंस बजाज फाइनेंस को लेकर, मगर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री जो आपको अपने रेडार पर रखनी होगी वो होगी कंपनी की ग्रोथ मोमेंटम को लेकर। क्या कंपनी ये ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन कर पाएगी, कंपटीशन क्या हो रहा है स्पेस में, इस पर कंपनी का क्या आउटलुक है, NIMs को लेकर कमेंट्री, और उनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर कमेंट्री, वो कैसे स्केल अप कर रहे हैं ये नए लॉन्चेस, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे सेट ऑफ नंबर्स, और इसी के चलते स्टॉक फोकस में।
उधर कैसे रहेंगे टाटा कंज्यूमर के नतीजे, बता रही हैं हमारी सहयोगी विन्नी। तो टाटा कंज्यूमर्स के जो Q4 FY23 नंबर्स है वहां पे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि अराउंड 10-11% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी। मेनी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो क्या सपोर्ट करेगी ग्रोथ को, इंडिया फूड बिजनेस है वहाँ पे हम लोग अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20%+ की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और ये मेनली इंडिया फूड बिजनेस की ग्रोथ है, प्राइसिंग लेड ग्रोथ है, क्योंकि सॉल्ट बिजनेस में प्राइस हाइक्स हुई थी तो उसकी वजह से सपोर्ट कर रही है ओवरऑल इंडिया फूड बिजनेस की ग्रोथ डबल डिजिट में, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट, और उसको इन टर्न सपोर्ट कर रही है टोटल रेवेन्यू ग्रोथ फॉर टाटा कंज्यूमर्स। उसके अलावा प्रॉफिट की बात करें, 17.6% की अपटेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और मार्जिन्स, इबिटा मार्जिन्स में स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो थोड़ी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अभी भी चल रही है उसकी वजह से 30 basis point कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन में, और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है 13.6%। SBI लाइफ के Q4 नतीजे कल आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं नतीजे, बता रहे हैं सहयोगी हमारे हर्ष। जी हाँ, तो जब HDFC लाइफ की बात करते हैं, ग्रॉस प्रीमियम इनकम 25% से एक्सपैंड होगा, 18,000 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर। पैट अराउंड 580 करोड़, 60% एक्सपेंशन पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। VNB मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन दिखेगा सिक्वेंशियली, 29% VNB मार्जिन नंबर, और VNB एक्सपेक्टेड है 1100 करोड़ पे, जो कि एक 20% एक्सपेंशन है। क्या एक्सपेक्टेड है, स्ट्रॉन्गर ट्रेंड्स नॉन पार में, वो टैक्स के जो एग्जेम्पशंस जो निकाल दिए गए हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में और मार्च, स्पेशली मार्च मंथ में HDFC लाइफ के नंबर्स पे। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स दिखेंगे विथ रिगार्ड टू ग्रोथ, जो कि नया प्रोडक्ट लॉन्चेस होगा FY24 में, उस पर इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर मेट्रिक ड्राइव करेगा ग्रोथ आगे जाके, तो वो उस पर एक नज़र रहेगी, और परसिस्टेंसी रेशियोज पे भी नज़र रहेगी इन्वेस्टर्स की। SBI लाइफ का जब सवाल आता है, 23% ग्रोथ ग्रॉस प्रीमियम इनकम में एक्सपेक्टेड है, अराउंड 21,500 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 830 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 25% एक्सपैंड होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। VNBs में सॉलिड एक्सपेंशन 30%, और VNB मार्जिन भी सॉलिड 29% के आसपास एक्सपेक्टेड है। जब एक्सपेक्टेशंस की बात करें, तो SBI लाइफ अपनी ज्योग्राफिकल रीच और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ज़्यादा टैप इन करके ग्रोथ का इंजन बढ़ाएगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में, और गोइंग फॉरवर्ड भी न्यू बिजनेस प्रीमियम सस्टेन करेगा। पर जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि नॉन पार साइड पे SBI लाइफ कैसे करता है, वो पर्टिकुलर टेस्ट ये टाइम आएगा, और उस पर मार्जिन्स और VNB कैसे रहेंगे उस पर भी एक नज़र रहेगी इन्वेस्टर्स की। दूसरा है ऑफकोर्स कि जो टैक्स रेगुलेशन में चेंजेस है, आगे जाके क्या प्रोडक्ट्स में चेंजेस आएंगे, क्या नए प्रोडक्ट्स SBI लाइफ पिविट करेगा, उस पर भी एक इन्वेस्टर्स की नज़र। कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्वमोहन। विश्वमोहन बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो आज यहाँ पर दायरे में ही कारोबार दिख रहा है। कॉमिक्स पर सोना $2,000 के बेहद करीब है, और MCEX पर 60,000 के आसपास ही सोना घूम रहा है, लेकिन चांदी की कीमतों पर दबाव दिख रही है, 400 से 500 रुपए तक की गिरावट MCX पर दिख रही है, और $25 के आसपास कॉमिक्स पर चांदी कारोबार कर रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों से डॉलर इंडेक्स में भी नरमी आई है, 101 के आसपास आ गया है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी 3.5% के अब नीचे आ चुका है, तो इन दोनों में नरमी से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है गोल्ड की कीमतों को। लेकिन अब बाज़ार की नज़र 2 और 3 मई को US फेड की जो बैठक है वहाँ पर है। हालांकि बाज़ार यही मानकर चल रहा है कि 4.25% वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी। ट्रेडर्स के जो ग्रुप हैं उनको लगता है कि 91% चांसेस हैं कि ब्याज दरें 4.25% फेड की तरफ से बढ़ाई जाए। क्रूड की अगर बात करें तो कल हमने देखा था 1 से 1.5% तक की तेज़ी दिखी, आज एक दायरे में हालांकि शुरुआती कारोबार में हल्की तेज़ी भी दिख रही थी। $82 से $83 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव घूम रहा है, लेकिन अब फेड के अलावा बाज़ार को चिंता है कि चीन से किस तरह की डिमांड रहती है। हालांकि अब तक के जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे, चीन में जो क्रूड के इंपोर्ट के जो नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है, उसे लग रहा है कि वहाँ पर डिमांड में रिवाइवल हो रहा है। लेकिन अब एक खबर ये भी है कि मई से जब ओपेक प्लस अतिरिक्त उत्पादन की कटौती करेगा उसका क्या असर होगा, क्या वहाँ से यहाँ से जो क्रूड की कीमतें हैं और कितनी तेज़ी यहाँ से और आ सकती है, तो तमाम फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार नज़र रखे हुए हैं, देखते हैं उसका क्या आगे असर होता है। लेकिन आज एक रेंज में ही गोल्ड सिल्वर और क्रूड सभी काउंटर्स कारोबार कर रहे हैं। और अब बात केरल को PM मोदी की तरफ से दी गई सौगात की, जिसमें सबसे स्पेशल है वंदे भारत और कोची वाटर मेट्रो। केरल दौरे पर पहुंचे PM मोदी ने राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चलेगी।
इस मौके पर पीएम मोदी का मलयाली लुक भी दिखा। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में रोड शो भी किया। इसके साथ ही पीएम ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी और कोची वाटर मेट्रो समेत कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केरल इस मौके पर पीएम ने कहा कि नए प्रोजेक्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। मुझे बहुत खुशी है कि उल्लास के इस माहौल में मुझे केरला के विकास के उत्सव से जुड़ने का मौका मिला। आज केरला को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। आज कोची को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है। रेलवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स मिले हैं। कनेक्टिविटी के साथ साथ आज केरला के विकास से जुड़े और भी प्रदेश का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट के लिए केरला के लोगों को बहुत बहुत बधाई। केरल को मिली पहले वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासागोड के बीच चलेगी। इस ट्रेन में क्या स्पेशल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने। केरल को बड़ी सौगात, पहली वंदे भारत ट्रेन जो कि कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच में चलेगी। तकरीबन 550 किलोमीटर का सफर 8 घंटे 5 मिनट में तय किया जाएगा। इसी रूट पे जो फिलहाल राजधानी है वो तकरीबन 10.5 घंटे लेती है। जाहिर तौर पे 2.5 घंटे की बचत इस नई वंदे भारत ट्रेन के जरिए संभव हो सकेगी। वंदे भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे का भविष्य बताया जा रहा है और इसके जरिए जो रेल यात्रा अनुभव है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। उसके पीछे इसमें तमाम जो नए फीचर्स शामिल हैं उसको बताया जा रहा है। फिलहाल हम एग्जेक्टिव क्लास कोच में हम मौजूद हैं। इसमें यात्रा करने के लिए तकरीबन 2850 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और क्या कुछ सुविधाएं शामिल हैं, सबसे पहले इसका डिज़ाइन लुक एंड फील देखें तो रेड कलर की ये जो चेयर्स हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं। कुशनिंग इसकी काफ़ी बेहतर है। हैंड रेस्ट आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं अपने सुविधा के लिहाज से। अगर आप स्नैक्स टेबल को इंजॉय करना चाहते हैं अपनी मील टाइम पर तो ये स्नैक टेबल है जिसको आप बहुत आराम से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, अपने स्नैक्स को मील को इंजॉय कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं तो इस तरीके के चार्जिंग सॉकेट हर सीट के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। न सिर्फ ये सॉकेट है बल्कि USB चार्जिंग पोर्ट भी दी गई है। पूरे कोच को LED लाइटिंग से जगमग किया गया है। इस तरीके के टच बटन से आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो लगेज रैक है काफ़ी मजबूत लगेज रैक है जिसमें आप आसानी से अपने बैग को रख सकते हैं। और पूरे कोच में सुरक्षा के नज़रिए से CCTV कैमरे दिए गए हैं जो कि रियल टाइम बेसिस पे फुटेज मॉनिटर करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो चेयर कार है जिसमें 5 सीट का कॉम्बिनेशन है 3+2 का, वो कोचेज भी इसमें है और उसके लिए किराया तकरीबन 1,550 रुपये होगा। तो कुल मिलाकर के केरल की भले ही ये पहली वंदे भारत ट्रेन हो लेकिन पूरे भारतीय रेल नेटवर्क के लिए ये 16वीं वंदे भारत ट्रेन है। रेलवे का लक्ष्य ये है कि अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ा जा सके और इसके जरिए जो देश के अहम शहर हैं उनको वंदे भारत ट्रेन से जोड़े जाने का लक्ष्य है। बड़ा लक्ष्य है लेकिन उस दिशा में 16 ट्रेनें अब तक चल चुकी हैं और इसके जरिए एक कोशिश ये भी है कि यात्रा अनुभव को बेहतर और उसको तेज बना जा सके। कैमरामैन आमिल के साथ समीर दीक्षित। और अब बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की। कर्नाटक दौरे पर मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बागलकोट में चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में चला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम आरक्षण था लेकिन बीजेपी की सरकार ने वोट बैंक के लालच में पड़े बिना इस मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया। अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान संभाली तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मैदान में हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मैसूर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक की 40% वाली सरकार ने राज्य को बेशर्मी और बेरहमी से लूटा है, यहाँ हर तरह के स्कैम का बोलबाला है। प्रियंका ने कर्नाटक की मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए।
और अब बात कोरोना के, लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 6,660 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच राहत की खबर यह है कि 70 दिन बाद भी एक्टिव केस घटे हैं और एक्टिव केस की तादाद घटकर 63,380 हो गई है, जो सोमवार को 65,000 से ज़्यादा थी। डेली पॉजिटिव रेट की बात करें तो ये 3.52% दर्ज की गई है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 5.42% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज़्यादा संक्रमितों की रिकवरी भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न पर नोटिस जारी किया है। वहीं कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। 7 महिला रेसलर्स की ओर से दायर याचिका पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। इस बीच पहलवानों के समर्थन में नेताओं का जुटना भी शुरू हो गया है। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता भी दिल्ली में पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ईटी नाउ प्रदेश में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।